पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बीते दिनों पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाउन हॉल में पेंशन चेतना यात्रा सह जिला अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सभी एनपीएस कर्मियों ने एनपीएस गो बैक ओपीएस कम बैक आदि नारा लगाते हुए डाक बंगला मैदान का चक्कर लगाया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हाल ही में हेमंत सोरेन ने विधानसभा के पटल से यह घोषणा किया है कि जल्द ही हम पुरानी पेंशन को झारखंड में लागू करेंगे और एनपीएस प्रणाली को समाप्त करेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी तक सरकार की ओर से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। इसलिए एनपीएस कर्मियों का कहना है कि जल्द से जल्द सभी विभागों के लिए झारखंड सरकार अधिसूचना निकाले और पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करे। आइए देखते हैं इस सिलसिले में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न वक्ताओं ने इस कार्यक्रम में क्या कहा। रांची के मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में, जिसमें उस समय जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, जो अभी हमारे वर्तमान में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उस हमारे अधिवेशन में हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आए थे और वहां से हमारे साथियों ने, हमारे प्रांतीय कमेटी ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने, हमारे यूट्यूब के साथियों ने ऐसा प्रेशर बनाया कि उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में ये शामिल किया कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। और उसके तहत हमारे प्रांतीय टीम दिन रात मेहनत करके काम की और हम लोगों का सहयोग रहा कि सरकार जेएमएम की सरकार बनी, जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी अभी वर्तमान में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात थी। अब हमारे प्रांतीय कमेटी के टीम लगातार उनसे संपर्क में रहे, सीएमओ से लगातार संपर्क में रहते हुए ऐसा प्रेशर बनाए कि अभी विधानसभा के बजट सत्र में आखिरी दिन में उन्हें खुले तौर पर ये घोषणा करना पड़ा कि हम बहुत जल्द पुरानी पेंशन राज्य में बहाल करने जा रहे हैं। अब साथियों, ये घोषणा हो चुका है, सदन के बाहर भी घोषणा और सदन के अंदर भी घोषणा, और जब घोषणा हो चुका है तो अब हमें उस घोषणा को अधिसूचना में बदलवाने का काम करना है, घोषणा को अधिसूचना में बदलवाने का काम करना है। इसीलिए ये प्रांतीय कमेटी के द्वारा पूरे राज्य में पेंशन चेतना यात्रा सह जिला अधिवेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बहुत जल्द ही झारखंड की राजधानी रांची में एक व्यापक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये कार्यक्रम संभवतः मई में ही हो जाना था, लेकिन वर्तमान में ये चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने के कारण हमारे प्रांतीय टीम ने यह निर्णय लिया है और संभवतः आपको कुछ ही दिनों में, दो चार दिनों में तिथि का भी सूचना मिल जाएगा, तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा और संभवतः जून के पहले सप्ताह में रांची में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, राज्य स्तरीय महाधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस मैं रांची जिला के तरफ से आप सभी को आमंत्रित करने आया हूँ, आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूँ कि आप रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, आप उसमें बढ़ चढ़ के पूर्वी सिंहभूम से आप कोशिश करें कि अपने 100% साथियों के साथ आप वहां उपस्थित हो। मैं आपको ये वचन देता हूं, मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप वहां आएंगे तो निश्चित रूप से जितना प्रांति का स्वागत नहीं होता है, रांची जिला उतने उससे ज्यादा आपका स्वागत करने के लिए खड़ा रहेंगे। गद्दी में रहने वाले अपने आप को इस आंदोलन के प्रति समर्पित करने वाले एक छोर आज कहां धन्यवाद से चलकर हमारे यहाँ उपस्थित होने वाले हमारे प्रांतीय वरीय उपाध्यक्ष उज्जल तिवारी जी और जिनके दोस्त में सबको जगा देते हैं, वैसे साथी जो बोकारो से
बोकारो के जिला संचालक हमारे संजय जी, रांची जहां पर हम लोग सब कुछ करने की बात करते हैं, उस पूरे रांची जिला जो झारखंड में सबसे ज्यादा एनपीएस कर्मी उपस्थित है और द्वितीय नंबर में पूर्वी सिंहभूम। तो ऐसे जहां झारखंड का सबसे ज्यादा एनपीएस कर्मी जहां पर है, जहां पर हर चीज का मांग जहां से की जाती है, वैसे प्रांत वैसे जिला रांची जिला से हमारे जिला संयोजक एक्टिव हमेशा तत्पर रांची जिला को एक ऊंचाई तक ले जाने वाले इस आंदोलन में हमारे बीच उपस्थित है मोहम्मद कैमुद्दीन जी। हमारे बीच महिला प्रकोष्ठ मातृशक्ति को, क्योंकि ये आंदोलन बराबर का है, तो जिसमें मातृशक्ति की ओर से उपस्थित हमारे महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्रीमती मंजूषा महतो जी, हमारे इस प्रधान पद में आग लगाने वाले इस पेंशन की जो भूख है, तो हम सबको बतलाने वाले इस पेंशन आंदोलन में पूरे प्रधान पद मसाज चलाने वाले हमारे आदरणीय संगठन सचिव सह प्रधान प्रभारी ब्रजमोहन यादव जी, और जिन्होंने हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने पूरे झारखंड के जो न्यूज है यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश दुनिया में फैलाने वाले हमारे प्रांतीय यूट्यूब प्रभारी राकेश जी एवं पूर्वी सिंहभूम से आए हुए विभिन्न शिक्षक संगठन झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ से प्रतीक सोरेन जी, दुलाराम माणी जी, खुदीराम माणी जी, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ से ভালো লাগছে, কিন্তু আমার